करो। अरे क्या रोड बंद करो तुम्हें? इनके नहीं, इनके मालिक ने खुद हाँ बोला है। तुम काय को चिल्ला रहे हो? ओए तू बस सेक्रेटरी है, थोड़े से पैसों के लिए इनकी चमचागिरी कर रहा है, अपने फायदे के लिए इनको लटकाएगा। ए, समझता नहीं है क्या? हरामी पे बिल्डिंग बनने वाली है और तू धोबी घर के लिए बना ए, ये औरतें 20 सालों से यही करती आ रही हैं। काम करने की जगह नहीं होगी तो कहाँ जाएंगी? हाँ भाई आगे चलो, सोचा था कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो अब देखो क्या होगा, करके देख रहे भाई आ रहा है। उसके सामने ज्यादा बोला मत समझी, ये तो देख लेना। तुम लोग डर क्यों रहे हो? डर किस बात का? हम धरना दे रहे ना, शुरू हो जाओ। हमारा काम हमारा है। चलो सर पीछे पीछे रखो, धोते हैं कपड़े हम। फोकट में दिया रे, हाँ तुझा पापा चाहिए थारा भी, बाप का है पापा चाहिए तुझा थारा भी। भाई देखो, एक को घर दे रहे हो दूसरे को नहीं, ऐसा मत भेद वाला काम मत करो भाई। प्योर मुंबई योजना के नाम से सिर्फ स्लम तोड़ देने से पूरा इंडिया साफ हो जाएगा क्या? सबसे पूछ कर फैसला लो। अपने यार का बेटा है ना तू, तेरा 90 फीट में क्या काम है? ये पार्टी का प्रोजेक्ट है। ये देख मच मच किया था ना अपने लोगों को लेकर चला जाए, समझा? अपना बच्चा ये भी नहीं देखा। चल चल निकल सर, काम काम शाम तक के काम। तेरी गुंडागर्दी से मैं नहीं डरने वाली, मराठी मुलगे भी इतने सराते। तुम सबको मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जगह खाली कर दो, समझे? क्या बात है रे, बहुत उछल रहा है, बिल्डर की फेंकी हड्डी पर पूछ ही लाने वाला ही है ना। तोड़ दिया ना, मैं भी देखता हूँ तेरी दादागिरी का क्या होता है। तू यहीं पे खड़े रहना, मैं उसे लेकर आता हूँ।
क्या रे? ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, लाठी चार्ज करवा दूंगा। हाँ तो करना, हाथ तो लगा के दिखा। ए, संतोष। अरे आना देखते हैं। सिट मंडवली कर लेते हैं। सिट सारा इन्वेस्टमेंट इसमें लगा दिया है। सिट अगर ये प्रोजेक्ट रुक गया तो मेरा पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। सिट प्लीज, सिट आप जैसा कहेंगे वैसा ही कर लूंगा। सिट क्या बात है, कीचड़ भी झड़ते ही शेर भी घास खाने लगा। हमें देख कर क्या लग रहा है कि हम यहाँ बीज बचाव करने बैठे हैं? तुम लोगों को ना एक पड़ेगी। इतना बड़ा कांड ये लोग काला को बताए बगैर कर रहे हैं, यानी जरूर इसमें झोला है। यहाँ के 300 परिवारों का काम छूट जाएगा और उनमें से 200 को घर नहीं मिलेगा। साले मक्का। ये लो, आ गए विष्णु भाई। क्या रे, तेरे को देख के डर से हम घबरा कर भाग जाएंगे सोचा तूने? अरे भाई आप यहाँ होगे, पता होता तो मैं यहाँ आता ही क्यों भाई। मुझे लगा बच्चा है, सब जोश में कर बैठा है। मैं अभी पार्टी में थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा हूँ भाई। ये करवा दूंगा तो अगले एमएलए इलेक्शन में टिकट पक्की है। अब आपको ही सब देखना है। जो भी हो, मैं छोटा भाई हूँ ना। अरे सीट मिल रही है तो हमारी याद आ गई। रिश्ता बना रहा है, तेरे को पार्टी में आगे बढ़ना है इसलिए आग लगा रहा है, सलाम ठोक रहा है। अरे हाँ, राजनीति में आते ही शर्म आया बेच खाता है। शर्म लोग कहीं के। ओ वाली, अपनों के बीच में इसलिए उछल रहा है? किससे क्या बात कर रही है, सोच के बोल। ओए चुपचाप खड़े रहे। ए बिल्डर, सिर्फ तू ही बात करेगा। जाने दो भाई, प्रॉब्लम मत करो, थोड़ी देर चुप रहो भाई। काला से ये लोग हमको भगाना चाहते हैं। गंदे कपड़े धोने के अलावा हमको क्या आता है? ये जगह छोड़ने को कहेंगे तो हम किधर जाएंगे? हम लाचार हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा कर रहा है। ये झूठ बोल रही है, सबसे पूछ कर ही काम शुरू किया, तूने भी तो साइन किया है। ये सब होगा, ये कहाँ बताया था? ये सब परमिशन लेकर प्रोसीजर फॉलो करके कानूनी तरीके से हो रहा है। हमें कानून मत सिखा, हमें कानून मानना भी आता है, अत्याचार होने पर उस लगाना भी। तुम लोगों ने हमें इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि कुछ कानून हम जैसे गरीबों के लिए भी बने हैं, वरना सात समंदर पार फेंक नहीं दिया होता हमें। अब सुन, अगर चाहता है कि तेरा काम हो तो यहाँ जो तोड़ फोड़ की है उसे ठीक करके डिजाइन बदल। कपड़े धोना इनका काम है, ये यही कपड़े धोएंगे। ताई जो बोली वही कानून है, समझा? समझ लेना। ए, भाई ने बोल दिया, बाकी कुछ बोलना है? नहीं सर। भाई आपने जो कहा वो तो करना ही पड़ेगा ना। ए बिल्डर सुन लिया ना? तो फिर मैं चलता हूँ भाई। पाटिल चलो निकलते हैं। ए भीम जी। काला। कौन था भे? इसने मारा। अच्छा ये आ जाए। देवी तेरी बारी। माँ तुम चुप क्यों खड़ी हो? दो कान के नीचे मारो इसे। भाई उसने ऐसी बात की इसलिए। दीदी इनकी बातें सुनकर तुम कुछ कर मत देना। ए जीजू, ये खाली न्याय का झंडा पकड़ सकते हैं, लड़ने का दम नहीं है। ये हुई ना बात, झंडा उठाना भी आता है और पलट कर मारना भी। पुनः हाथ लाओ शेर, पुनः मारी मी। तू किसको खबर दिखा रही है? रुक, मार खाने बोला। सब तेरी वजह से हुआ है, और अब से मार खाऊंगा ऐसा खुद तो समझाया क्या? तेरी किस पर हाथ उठा रहा है? किस पर? जाति धर्म भाषा सबको साथ मिलाकर ये जो छोटा इंडिया जैसा धारा भी है उसके राजा है ये, इकलौते राजा है ये। ये ऑर्डर देंगे और हम चुपचाप चुपचाप मानेंगे, समझा? हम इस एरिया में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। सालों से यहाँ आपका झंडा ऊंचा, ये नहीं जानता भाई, नहीं जानता। लेकिन झंडा पुराना होगा तो उतारना पड़ेगा ना। इलेक्शन होने दे, तब देख लेंगे, नया झंडा फहराएंगे। चश्मा ढूंढ रहा क्या? देख नीचे गिरा है। हरी दादा सब देख रहे हैं काला भाई। जा जा चल निकल। जीजू तुम्हारी फतेह को फेसबुक पे डाल रहा हूँ। जवानी में तो हर जगह झगड़े करता फिरता था, लेकिन अब बुढ़ापे में तो ना ही पुतों के साथ खेलना चाहिए। लेकिन नहीं, बॉम्बे वाला बता के मेरी शादी करा दी, अब झेलना तो मेरे को ही पड़ रहा है ना। सासू माँ ये मुंबई है। ए तू वो सब छोड़, तू इधर देख, नमक ज्यादा डाल दिया इसमें, थोड़ा इमली का पानी मिला, तेरे ससुर को पसंद नहीं आएगा। हाँ जैसे आपको ही सब बनाना आता है। सारी दुनिया का झगड़ा लेकर आता है। वो
लोग राजी है मकान बनवाने को, तो इसको क्या पड़ी है जो वहाँ लफड़ा करने को गया। माँ ये कोई नया थोड़ी जो इतना चिल्ला रही हो, इधर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। ए सुन, जो भी है अपने बाप से बात कर। उनसे बात नहीं कर सकता, इसलिए तो तुम्हें बोल रहा हूँ। अरे तू मेरे को एक बात का जवाब दे, तू भी तो यही पला बड़ा है, ये सब काम धंधा तेरे को यही से तो मिला है। अब धारावी का नाम लेते ही मुँह क्यों सड़ा रहा है, तेरे को बीवी ने सिखाया? धारावी मेरे तक ही रहने दो, मेरे बच्चों को नहीं चाहिए। वो सब रहने दे, पहले अपने बीवी को हिंदी सिखा, देने को मना कर। तू आज के दुआ क्या आया? और कोई काम नहीं है, ससुर जी भी हमेशा लड़ते ही रहते हैं। लड़ ले, कब तक लड़ेगा, मैं भी देखती है। घर आके भी इसको कुछ पड़ी नहीं है देखो। ए सुन, कम से कम मैं तो उसको बड़े का मांस और उसकी पूंछ का सूप बना कर देती है, पर तू इसको क्या खिलाएगी? इसको तो वेजिटेरियन मत। सासू माँ, उसे वेजिटेरियन नहीं कहते, वेजिटेरियन। हाँ भाई, मैं वेजिटेरियन ही बोल सकती है, तेरे को क्या? तू मेरे बेटे पे क्यों गुस्सा दिखा रही है? बड़ी आई गलती निकालने वाली, घोड़े जैसे हो गई हो। हाँ, तेरे पास बहुत अकल है तो थोड़ा दे दे इसको। ए बच्चों, झगड़ा किए बिना खेलने का। कदीरवाल, ये नोट यहाँ क्यों फैले पड़े रहे? किधर? कहाँ? इस पर तो पैसे का भूत सवार रहता है। ए वाली अप्पा। हाँ बोलो दीदी। अगर दोस्त हो तो क्या भला क्या बुरा ये सिखा उसको, उल्टा तुम तो उसको और चढ़ाते रहते हो। सुनो, पूरा पू करके बैठ जाओ। अब क्या हुआ? अरे बैठ, बोल दीना। मैं सबकी आँख तेरे पे रहती है, हर कोई बोलता है कला ये बोला कला वो किया, लोगों की नजर लगती है। सुन, नजर पूरी होती है। दीदी इतनी गालियाँ देकर नजर उतारना भी एक कला है। उतारो। तुम क्यों खड़े रहो? अरे वो देखो, अब क्या हुआ? हमारा क्रांतिकारी आ रहा है। आओ भांजे आओ। सुना है तुम कपड़े बहुत अच्छे धोते हो, ये देखो फेसबुक पर तुम्हें ट्रेंड कर रहा हूँ। मजाक लग रहा है तो? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। पिट कर आने वाले को क्या नजर लगेगी? मैं हार नहीं मानने वाला, हक के लिए लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूंगा। देखा मैंने लड़ते हुए, तुम्हारा पति नहीं आया होता तो हम जीत जाते। क्रांति हो जाती। बड़ा आया जीतने वाला, तूने मेरा दूध पिया है, मैं नहीं पहचानती तेरे को। मेरा पति काला बिल्ला है समझा, अगर ये नहीं गया होता तो वो लोग तेरे ही सर पे कपड़े धो देते है ना वाली अप्पा। माफ करो दीदी, तुम्हारे बीच में मैं नहीं आने वाला, नहीं तो भांजा तूफानी के साथ मेरे दरवाजे पर धरना दे देगा। क्यों जीजू, मजा ले रहे हो? ए तूफानी तू चुप कर, इनको करके दिखाएंगे तब ये मानेंगे। हाँ मजाक कर रही हो, तुम मुंह फुला कर जा रहे हो, बैठो यहाँ। तू भी आके जोड़े में बैठ जा, अब इतना भी सास ससुर के सामने शर्माने की जरूरत नहीं है। तो कितना शर्माना है, सर झुकाकर नजर नीचे करके खड़ी रहूं। हाँ काला, तुम्हारी बीवी बहुत बोलती है। अगर ताई मेरी बीवी तेरे से ज्यादा नहीं बोलती, ये बोल के नहीं जाना है, ये बस इकड़े आकर बैठ जा। अरे क्या हुआ, क्या हुआ तुझे? किसने मारा? कौन कौन, किसने मारा, किसने मारा तुझे बेटा? क्यों रे, क्यों मारा इसको? क्या रे, क्या रे, क्या हुआ, किसने मारा? किसी ने नहीं मारा। किसी ने नहीं मारा, फिर तो ठीक है, चलो कोई झगड़ा ही नहीं। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई नजर मेरे घर के आसपास भी मत भटकना, एक हाथ की रक्षा। क्या काला, तेरी नजर उतारी जा रही है, बाहर झगड़ा और घर में रोमांस। हाँ बे, मेरी बीवी है, जैसे चाहे रोमांस करो, कौन रोकेगा मुझे? अच्छा बुढ़ापे में लगे रहो। ऐसी कौन सी उम्र हो गई हमारी, उम्र होने पर प्यार बढ़ता है, क्यों जी? अब तो बोल ले, चाहे तो ड्यूट गाकर डांस भी करेंगे। ए, तुम लोग गाओ, जवान जोड़ी डांस करे। मैंने तो ऐसे ही बोला, तू तो सीरियस हो गया। ना डांस करते हैं। नल के कनेक्शन के लिए पैसे भरे 6 महीने हुए, प्रूफ ये वो
उपयोग करके इधर उधर तोड़ा रहे हैं। रेसिडेंस ऑफ धारावी, नो वाटर सप्लाई। अब क्या तैयारी है? गोली वाला कुंभर वाला बहुत बहुत पिल्ला है, यहाँ सभी एरिया तो काला का गिला है। बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, मध्य मचल एक ही आसमान में रहते साथ साथ जैसे हम सब सितारे हैं, इसीलिए नमस्कार सलाम वालेकुम, किसी भी हालत में यूनाइटेड रहते हम। सब के बारे में तेरी सोच बदल दे, आ जाके अपनी लाइफ स्टाइल को कुचल ले। जो बड़ा घर है फिर भी रहते हम शान से, किचन भरे रास्ते से भी चलते सीना तान के। साथ दे दे बुरे और अच्छे वक्त में, लाते के करेगा तो बातें या गलत पे। हाथ छोड़े गुलाम बनकर मत रहना, उम्मीद की सीढ़ी चढ़कर ऊपर कर दे अपना सपना सच। तारावीर अपना एरिया या मसाला सेट, उससे बढ़कर कौन है यार। या वर्षी होणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका 15 मे रोजी होणार असल्याचं निवडणूक आयोगाने जाहीर केलं आहे। माझा काळा सेट इसे बचके, जब तेरे इरादे ना होने एक माता टेक, त्याच्या संगे माझे नापू शीट उल्ला चातुर देतील तुला आपू। इस शेर के बीच में रहते दबके, जग में गले रोज जीते मर के, दुश्मनों को भी हाथ बनाते, गद्दारी की तो हम हार बताते। सारी पार्टियों को बार बार वोट देकर हमने सेंटर और स्टेट में जिनको यहाँ से भेजा, उन्होंने हमारे लिए क्या किया? क्या इस बच्ची को शिक्षा मिल पाएगी? बोलो, 70 साल से हमने शौचालय साफ करने के अलावा क्या किया? के रहना सबसे जरूरी है, एकता की शक्ति ना तो बाकी मजबूरी है। कोशिश कर ले ना पिछड़ दे, दुष्टता को नष्ट कर दे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नव भारत राष्ट्रवादी पार्टी ने पिछली बार से भी कई ज्यादा सीटों पर जीत कर फिर से सरकार बनाई है। भले ही मुंबई के लगभग सभी सीटों से इस पार्टी ने जीत हासिल की हो, लेकिन धारावी में हुई बुरी हार से पार्टी को सदमा पहुँचा। विधानसभा की जीत की खुशी मनाएं या धारावी के हार का गम, ये हरी दादा के सर का दर्द बना हुआ है। कचरा और गंदगी ने आज मुझे हरा दिया, मौत के समान है ये हार। आसान काम को तुमने मुश्किल में बदल दिया खामखा। खैर, गिर के उठने में भी मजा है, जीतने के और भी तरीके हैं। जी देखो, शुरू कर दिया इसने। क्या खबर है मामा? पूरी धारावी में बिल्डिंगें बनने वाली है। न्यूज आ गई है बिरमल सामी, आगे आगे देखो क्या क्या होता है। योजना को धारावी में लागू करने के लिए सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। लोगों के विरोध के वजह से ये योजना पहले भी कई बार असफल रह चुकी है, लेकिन इस बार टेंडर के लिए कठिन। ये क्या देख रहे हो हा? अब से यहाँ पर यही न्यूज चला करेगी। चलो टाइम हो रहा है, आओ चलो। सिरिना मैडम, नमस्ते मैडम।
अरे मेरी बेटी, तू 100 साल जिए, मेरी बच्ची 100 साल जिए। दीदी, ये देखिए जो हमारे सामने बैठी है ना, वो है सरीना मैडम। इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़े बड़े प्राइज जीते हैं। अफ्रीकन देशों में स्लम्स में रहने वालों की अच्छी और बेहतर जिंदगी के लिए हजारों के हिसाब से बिल्डिंग्स बनवाए हैं। ये हमारी धारावी में आई है, उसकी असली वजह है हमारे पेरुमल स्वामी। दादा का कहना है हमारा अच्छा समय चल रहा है, हमें सबसे पहले उस टेंडर का कोटेशन रेडी करना होगा। मतलब हमें यहाँ जिन चीजों की जरूरत है वो सब हम उस कोटेशन के साथ भेज देंगे। अगर वो गवर्नमेंट को पसंद आया तो वो टेंडर हमें ही देंगे, ये तय है, है ना? सही है। अब हमें एक एक करके बताओ क्या क्या चाहिए। अगर सवेरे जल्दी संडास जाओ तो भी चैन से हल्के नहीं होने देते, ठक ठक करते रहते। इसीलिए सबसे पहले हमें इस पब्लिक टॉयलेट से छुटकारा पाना चाहिए। हर घर में एक टॉयलेट आ गया तो अच्छा तो होगा, लेकिन फिर लाइन
पता है ना, तो खाली पीली काय को पीता है। सुनो तो दीदी, उस वक्त यहाँ पर दलदल हुआ करता था। तिरुनेलवेली से जब लोग काम की तलाश में यहाँ आते तो वेंगई आगे बढ़कर उनकी मदद करते। वो यहाँ पर सब कुछ थे, चार मास दाल पत्री, इसके बाद आधी बीमार आधा पत्रा। आज जो ऐसे रह पा रहे ना, उसकी वजह है तुम्हारे दादा वेंगई। हमेशा ही जमीन पर कब्जे को लेकर मटमट होती थी। और ये है ना हरी, महान नेता। तब वेंगई की पांव की धूल भी नहीं था, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी का हाथ उसके सर पर था। जमीन साफ करके लोगों को घर बनाते हुए देखता रहता, और जैसे ही घर बना वो उनको हटाने लगता। वीर थे वेंगई, छोड़ा नहीं। बाहर से आए हर आदमी ने उनका साथ दिया। फसल काटने वाले को हसिया उठाने के लिए कहना पड़ता है। अरे दादा कुछ नहीं कर पाया, धारावी को अपनी मुट्ठी में रखा वेंगई ने, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो इमरजेंसी लगा दी, उसी के आड़ में पुलिस लेकर आ गया हरी दादा। जान बचाने के लिए काला और वेंगई दोनों अयूब के घर में घुस गए। आज की तरह उस समय बिजली नहीं थी। उस अंधेरे में एक लालटेन लेकर काला के सामने जब खड़ी हुई जरीना, तो वाह 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 वा, मेरा दोस्त चारों खाने चित। मतलब देखते ही आके फटी की फटी रह गई होंगी। एकदम फटी की फटी रह गई। दीदी, अरे उस समय SIWS जूनियर कॉलेज बस ओपन ही हुआ था। मेरा कॉलेज बालवाड़ी चौल में पानी भरते समय गणेश मंदिर के टॉयलेट के पास, और वो अरोड़ा थिएटर उसके पीछे दीवारों की तरह घूमता था। भीमा चौल के अयूब की बेटी मुझसे प्यार करती है, ये बात फैल चुकी थी। और एक दिन बाद घर तक पहुंच गई। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था मेरे पेरेंट्स रिश्तेदार हमारे प्यार के लिए इतनी जल्दी हाँ कर देंगे। और करिकालन के साथ मेरी लाइफ इतनी आसानी से शुरू होने वाली है, ये सोचकर मैं बहुत खुश थी। हमारा निकाह फिक्स हो गया था। लेकिन इस धारावी पर अपना कब्जा करने के लिए ये है ना हरी दादा, कैसे भी करके वेंगैया का खून करने की कोशिश में था, और मौका देख करके काला की शादी में घुस गया। जो इंसान उसे दिखाई दिया उसे काट डाला। अब क्या करें, कैसे रोके, हमारे लोगों को कुछ समझ नहीं आया। काला की आंखों के सामने हरी दादा ने वेंगई को भी काट डाला। शादी का मंडप चलकर राख हो गया। उस आदमी हमेशा के लिए जुदा हो गए अपने काला और जरीना मैडम, और हमारा सपना टूट गया। करिकालन के साथ क्या हुआ ये जानने में ही कई साल लग गए। दंगे से डरकर नाना नानी मुझे नासिक ले गए। अब उस वक्त मैं क्या ही फैसला ले सकती थी। वहाँ के एक प्रीस्ट ने मुझे US पढ़ने के लिए भेजा। दंगे को वजह बताकर काला को तड़ी पार करवा दिया। पता नहीं चला कि उसे अगवा करके कहाँ रखा गया। वापस आकर जब जरीना का पता ठिकाना नहीं मिला तो वो उदास हो गया। पता नहीं क्यों और कैसे, पर तब की रखी दाढ़ी आज तक नहीं मिली। ये सब जाने बिना मैं इधर आ गई। जब देखो दर्द भरे हिंदी गाने तेरे मेरे बीच में चला के पड़े रहने का, मैं ऐसे कैसे छोड़ देती। मैं भी उसके सामने इलायराजा के गाने लगा देती थी। जरीना नाम मुँह से निकलता तो जरा इधर उधर करके फिर से संभालने लगते। मैं सोचती यही मेरी किस्मत है। मतलब पापा तुमसे प्यार नहीं करते थे? जाना जा जाकर अपने पापा से पूछ। हा? ये सेल्वी नहीं तो तेरे पापा भी नहीं। सासू माँ, मुझे तो लग रहा है उन्हें फिर से जरीना से प्यार हो गया है। संभल कर। हाँ तो होगा नहीं क्या, माधुरी दीक्षित की तरह दिखती है वो। अरे छोड़, दीदी की तरह थोड़ी है। अंदर आओ जरीना। नहीं थोड़ा काम है। लेनिन ना रुको, अभी बताऊं। ए लेनिन कहाँ चला गया ये? ए लेनिन क्या हुआ? कहाँ चला जाओ ये लड़का, किधर है किधर है? हाँ कहाँ है, बुलाओ उसे। ए और क्या, नीचे आ, जरीना वेट कर रही है। जरीना वेट कर रही है, जा जा जल्दी। आइए मैडम। क्या क्या हुआ? तैयारी हो रहा था। ये इतना क्यों हड़बड़ा रहा है? हाँ चलिए, ठीक है ठीक है, चलिए मैडम।
चोट ने हमको तोड़ा हुआ है, पानी ने मरहम सब उसको छुआ है। सजना सजना तू मेरी परखा। जब मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हारा चेहरा देखा था, अब भी अच्छी तरह याद है। मैं तो डर ही गई थी जब तुमने मुझे देखा था। पता है, मुझे देखते ही अपने घुटने छुपा लिए, फौरन शॉल ओढ़ ली। उस दिन रोज कलर की शर्ट और ब्राउन कलर की स्कर्ट पहनी थी। इन आंखों में अब भी वो नजर है। तुम्हें अब तक याद है? इतनी पसंद थी। बहुत अभी तक हो। यकीन ही नहीं होता कि हम साथ नहीं हैं। लेकिन ये जिंदगी कितनी बेरहम है। दोबारा हमें मिला के तमाशा देख रही है। सॉरी। अच्छा, तुम इतनी जवान कैसे दिखती हो? मजाक मत करो, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। मुझे देखो, उम्र ढल गई, बाल सफेद हो गए, लेकिन तुम? थैंक्स। मेरी बेटी के सारे फ्रेंड्स भी ऐसे ही बोलते हैं। ए, मजाक कर रहा था, तुमने तो सीरियसली ले लिया। ऐसा फील नहीं होता, मुझे तो बहुत होता है।
अगर जिंदगी हमें दोबारा नहीं मिलती तो शायद अच्छा होता। सेल्वी का मुझ पर से रत्ती भर भी भरोसा उठना नहीं चाहिए, बस ये चाहता हूं, क्योंकि उसकी दुनिया मैं ही हूं, सिर्फ मैं ही हूं। अभी मैं तुमसे मिले आया हूं, उसे पता है पर एक बार भी नहीं पूछा। तुम्हारी जिंदगी में इतनी सी भी खरोच नहीं आएगी मेरी वजह से, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। पता है क्या करी कलन, अब मैं वो जरीना नहीं हूं, कोई और हूं, कोई और ही हूं। तुम्हारी यादों की जरीना बन के रहूं उतना ही काफी है। दरअसल मुझे अजीब लग रहा है, सेल्वी यही कहीं आसपास है ऐसा लग रहा है। चलते करीकल। आगे से मुझे करीकल ना बुलाओ तो अच्छा होगा। ओके। चलता हूँ। आंखें खोल के सो रही दिखता नहीं। बस बात करने गया था। तो बात कर ली। मेरी आंखों में सिर्फ तुम ही बसी थी, उसे तो मैं देख भी नहीं पाया। ऐसी बातों में तू कम नहीं है। सुन लो, मैं अपने गांव जा रही है। क्यों? सिर्फ तेरे को ही प्यार करने वाला है क्या? मैं 8वीं में पढ़ रही थी, पैदल जाती थी, ढोल बजाने वाला वो जगन्नाथ था ना, पागलों के जैसा मेरे आगे पीछे घूमता था, मेरे को भी पसंद था, लेकिन तू शादी करके ले आया। ए सुन, टिकट करा दे, मैं भी एक बार मिलके बात करके आती है। तू ही बात कर सकता है क्या? मैं भी तो जाकर बात कर सकता हूँ। सिल्वी, ये वो जरीना नहीं जिससे मैं कभी मिला था, ये मुझे कोई और ही लगी, मुझसे मिलकर उसे भी ऐसा ही लगा। तू सच बोल रहा है? तू क्या झूठ बोल रहा हूँ? तो फिर आई लव यू बोल। ए, क्यों नहीं बोलेगा? अरे, आई लव यू मेरी जान, आई लव यू सोना। मेरे गुरु ना आ रहा है, लेकिन मैं नहीं रोएगी, मैं काय करूँ? नो 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 नो, तुम नहीं रोगी, मेरी जान हो तुम, आई लव यू। अच्छा, उस जगन्नाथ से सच में प्यार किया था तुमने? बारिश हो रही है, अच्छी बारिश है। रिजू, एक ही मैसेज को 9 साल से फॉरवर्ड करते आ रहे हैं, पागल। मुझे खुद 6 बार आ चुका है। मतलब धारावी में जो कोई नहीं कर सका वो हम करने वाले हैं। हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे ना, अब देखना हम क्या करने वाले हैं। अरे वाह, क्या बात है भाई, धारावी में सोना उगाने वाले हो क्या? हमारे पर किसी की नहीं चलेगी। अच्छा, वाले दोस्तों को भी ले आना। हाँ सुन लिया सुन लिया। अब ये धारावी कैसे बदल जाएगी देखें क्या? फर्स्ट हाउसेस 225 टू 350 स्क्वायर फीट का घर मिलेगा, सबको नहीं, गवर्नमेंट जिन्हें डिसाइड करेगी उन्हें, बैच बाय बैच। उसके बाद स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पब्स, गोल्फ ग्राउंड्स। स्कूल्स में आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन, रिच किड्स के लिए अलग स्कूल, हॉस्पिटल भी होगा, उसमें सैटरडे संडे आपका फ्री ट्रीटमेंट। और इन सबके खर्चे के लिए मेन रोड में जो जमीने हैं वहाँ बिल्डिंग बनाकर बेच देंगे। क्या कहते हैं, किसी को फ्री में रहने की जरूरत नहीं। Now don't you think this is a silent revolution for equality? Thank you, sir. So kind. Thank you, sir. Thank you, sir. वाह, सुन के ही मेरी सांसें फूल रही हैं। अपनी नई धारा भी कैसी हो जाएगी देख रहे ना? हाँ, सबसे पहले हमारे आर्किटेक्ट सर के लिए, बिल्डर सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। धारावी will have a new name. धारावी को एक नई आजादी मिलने वाली है। हाँ, अरे वाह, तब तो मेरे दोस्त लोग भी मेरे घर आएंगे, सुपर। हाँ सर,
मुख्य गोल्फ ग्राउंड हमें क्यों चाहिए? क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी हमारे खेल तो ये है ना। ए, बकवास बंद कर। ए, लेनिन, उसका सवाल तो सही है ना, हमें क्यों चाहिए गोल्फ ग्राउंड? हे, इट्स ओके, इट्स ओके, सब कुछ हाई क्लास होना चाहिए, अदरवाइज हाउ विल योर फ्रेंड्स रिस्पेक्ट यू? सही कह रहे हैं, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। यहाँ जरीना मैडम आई है तो बस इसी काम के लिए, इसमें हम सब की जीत है। अरे दादा की जीत है इसमें, ये बोलो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तालियां बजाओ। हाँ बजाओ ना, खूब तालियां बजाओ। तुम लोग तो क्या देख रहे हो, विष्णु सामने रहेगा तो काम नहीं बनेगा, इसलिए एनजीओ को आगे ला रहे हो। तुम उसकी तारीफ कर रहे हो, वो तुम्हारी तारीफ कर रहा है, क्या ये तमाशा दिखा रहे हो? ए मामा, अपना काम शुरू कर दिया। ओए, उन पे क्यों चिल्ला रहे है? सच्ची तो बोल रहे, मनु बिल्डर्स कौन है तेरे को पता नहीं है? चलवा, अब ये क्या नया शुरू कर दिया? अपना काम हो रहा है बस, ये देखो ये लोग यही सड़ते रहे, ऐसा क्यों सोचते हो? जब हम कीचड़ साफ कर रहे थे तो कौन आया था, और अब रहने लायक जगह बन गई है तो इन लोगों के मुंह से लार टपक रही है। इस तरफ पास में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, आस पास 5 रेलवे स्टेशन है, धारावी से मुंबई कहीं भी तुरंत जा सकते हैं, यही वजह है। एमएलए सर, वेट, मिस इंटरप्रेट मत कीजिए सर, कुछ वो नहीं है। जो गोल्फ फील्ड और स्टेडियम बनाने की बात कर रहे हैं, एक गोल्फ फील्ड को बनाने में 74 एकड़ लगता है, चल तू 50 एकड़ में भी बना लेगा, तो हम क्यों सारी जगह तेरे को देकर सिर्फ 225 में सिकुड़ कर बैठे रहे? सोने की खान तेरे को मुफ्त में दे दे, इतने पागल है क्या? अरे हो तूफानी, घर में संडास बना कर देना ही काफी है क्या? हाँ मैडम, अपने हिसाब से बिल्डिंग बना देंगे तो काला के किले में छेद हो जाएगा ना, धंधा कैसे चलेगा? कटिन मैडम, कटिन देकर सेटल कर दीजिए, चलो यहाँ से। अरे यार बात करने इतने गवर्नमेंट्स, इतने बिल्डर्स, बट नथिंग हैज चेंज्ड। जैसा छोड़ के गई थी यहाँ सब वैसे का वैसा ही है। यू हैव कंसर्न्स, यू हैव प्रॉब्लम्स, देन गिव इट टू मी इन राइटिंग। करिकालन, सबको भड़का के बिना कुछ कहे कहाँ जा रहे हो तुम? देखो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ, ये हमारी जमीन, हमारे बाप दादाओं की बनाई हुई जमीन, गवर्नमेंट को हेल्प करने बोलो, हमें जैसा घर चाहिए हम बना लेंगे, उसकी सफाई भी रख लेंगे, ये मेरी गारंटी, हम सब की गारंटी है, क्यों क्या कहते हो सर? हर चीज करें गवर्नमेंट की। तो फिर सरकार किस लिए है? हाँ सरकार पे कर्जा है, पैसा नहीं है, ये मत बोलना। छोटी से लेकर डाला करके सरकारी अधिकारी और राजनेता ऐश की जिंदगी जी रहे, उनको कहाँ से आया पैसा? सही बोला। इस जमीन को अभी अभी बेचे तो जमीन के ही 40,000 करोड़ मिलेंगे, वो किसी और को देकर हम उनके आगे पीछे घूमते रहे क्या? क्रांतिकारी नेता, सबको घर भेज के तू भी घर आ, गुस्सा दिलाते हैं। गुस्सा आना चाहिए। अब ऐसे ऐसे लोगों के हमें देकर गलती की, गुस्से में गाली भी नहीं दे सकता। मैंने कहा था क्या, नहीं चाहिए मुझे नाम, नाम बदल दूंगा। चुप रहो राजा, तू रो मत बेटा, हमको नहीं चाहिए ये नाम, तेरे दादा का नाम है ना वेंगैया। अरे छोड़, वो भी नहीं चाहिए, मेरे पापा का नाम रख लेना, मुझे सॉरी। मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना तुम दोनों मिलकर? क्या रे, यहाँ क्या तमाशा चल रहा है, जाओ अपना अपना काम करो। राजा क्या, कुछ अच्छा करने के लिए मेहनत से इतने लोगों को जमा किया, तो मच मच करके सब बिगाड़ दिया, वहाँ भी गुंडागर्दी निकालने लगे। तुम्हारी क्रांति के लिए हम ही मिले थे क्या? अच्छा तुम ही धारावी हो? ए लेनिन, जरा तमीज से बात कर, बाद में मेरे को मत बोलना, उंगली मत दिखा, तू बड़ा भाई है ये भी नहीं देखूंगा। कान के नीचे बजाऊंगा, कुछ भी पकड़ा। ये हमारे बीच की बात है, सुन, तेरी गर्लफ्रेंड तूफानी है ना, उसकी बिल्डिंग में जाकर देख, एक ही घर में 15 लोग एक दूसरे पे पड़े रहते हैं, चौल की तरह ही रहना है तो बिल्डिंग किस लिए? तो प्रॉब्लम कहाँ नहीं होती, वो बिल्डिंग बना कर देगा, बंगला थोड़ी ना देगा। लोगों को क्या चाहिए ये जाने बिना सिर्फ अपना फायदा मन में रख कर आने वाला कैसे अच्छा घर बना कर देगा, वो भी हरी दादा। पैसे वाले कब से गरीबों की सोचने लगे, अपना फायदा देखे बिना कौन किसी की हेल्प करता है बताओ? इसीलिए कहा था तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। ओ, तो मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, और तू तब से लेकर आज तक क्या किया, सिर्फ भाईगिरी? हाँ करूँगा, मैं राउडी हूँ, तुम जिसे लेकर आए वो शरीफ है,
पैसा आ जाए तो गुंडे भी अच्छे बन जाते हैं। अपनी जमीन और लोगों को जाने बिना दो किताबें पढ़कर बदलाव और क्रांति का नाम लेकर घूमते हैं। अपनी जड़ें जानना जरूरी है। हमारे दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है। सिल्वा भैया, शुरुआत तुमने ही की थी ना? बेचारी अपनी जरीना मैडम, सर से खून बहने लगा। पहाड़ में जाओ, इनके लिए सोचना ही बेकार। ओहो बाप रे, यह क्रांति करने नहीं आएंगे तो हम सब बैठ कर रोएंगे। ए, जाना। हाँ जा ही रहा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास हुनर है, मैं खुद को संभाल लूंगा। अब से तुम लोगों के लिए दोबारा खड़ा हुआ तो चप्पल मारना मेरे सिर पर। अकेली नहीं है, गवार बुद्धि ना, इसलिए बन के पड़े। कौन की चुन है? कौन की चुन है? गुस्सा आ गया। बोलो शांत रहो। माँ बाप क्यों इसकी मुँह लग रहे हो? ये किसी काम का नहीं है। मन हल्का कर ले। हाँ है, हम गंदगी में ही है। दुख देखे बिना बड़ा हो गया ना, इसीलिए ये लोग तुझे गंदे लग रहे हैं। तेरे हिसाब से भले ही अच्छा हो या नहीं, पसंद हो या नहीं, तुम्हारी सड़कों पर पड़े रहे, तू जो पानी पिलाए उसे पिए, तू जो टुकड़े फेंके उसे खाए, हमें नहीं चलेगा बोला तो कहोगे? खाने की औकात नहीं, इनकी चर्बी तो देखो। ए, दुख जैसे इंसान के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। जल्दी निकल, बाहर के ठोकरे खाकर पता चल जाएगा जिंदगी क्या होती है। निकालो इसे, निकालो बाहर। वो जा रहा है ना, अचानक कहाँ जाएगा? सोचने तो दो। उसको लगा होगा कि वो जाने लगेगा तो तुम उसे रोक लोगे। अब जाओ जाओ, बोलोगे तो कहाँ जाएगा मेरा बेटा? बेटा सुन, अच्छी जगह जाकर रहना, ठीक टाइम पर खाना, सेहत का ख्याल रखना, मेरा राजा है ना। अरे अरे, ये भीड़ क्यों है? दूर पे जा रहा है क्या? बैठ देख के तो लगता बहुत दूर जा रहा है। मामा के लिए भी कुछ लेके आना। घर के भेदी, सबसे पहले तेरे बाल लगाऊंगा। अरे मांजे, गुस्सा क्यों होता है? अंदर जाओ। जय देव जय देव जय मंगलमूर्ति, गणपति बाप्पा। हाँ।
हाँ कल ही होता है। कायरा फिनिश योर होमवर्क। यू बोथ टॉक कल को। ओके कैसे कहूँ, समझ में नहीं आ रहा। अगर तुम अच्छा कर रही होती तो शायद ये सब नहीं होता। करिका सॉरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें चोट लगी है पता चला तो देखने चला आया। थैंक्स, बहुत थैंक्स करिका। सॉरी सॉरी, आई शुड कॉल यू काला। बहुत दिख रही मेरी। आई एम ओके। मैं चलता हूँ। जो सब तुम पे भरोसा करते हैं उनके लिए तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। इतने दिन तक क्या कर रहे थे? किसी बिल्डर को लेके आ पाए? और उस आर्किटेक्ट को भी? जैसे हाँ, जैसा तुम चाहते हो बस ऐसा ही होना चाहिए। गुंडागर्दी के अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता, और तुम्हारी गुंडागर्दी से मैं नहीं डरती। गुस्से में कुछ भी मत बोलो। इसके पीछे कौन है तुम नहीं जानती। मैं यही कहूँगा, वो हरी सामने खड़ा होकर कुछ नहीं कर पाया तो तुम्हारी एनजीओ के साथ बिल्डर बन के आ गया। ये जाने बिना पागलों जैसी बातें कर। Stop it. Don't judge me. पागल हूँ मैं, पागल हूँ मैं। कौन हूँ ये मैं अच्छे से जानती हूँ। ओके मैं भी यहीं की पैदाइश हूँ। अरे ऐसा ट्रीट कर रहे हो जैसा कि मैं सरी दादा को सपोर्ट कर रही हूँ। अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए लोगों को बलि का बकरा बना रहे हो। मैं नहीं होने दूंगी। इस प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये मैं जानती हूँ मिस्टर काला। हेलो अफ्रीका रिटर्न मैडम। मेरे लोगों का अधिकार ही मेरा स्वार्थ है। मेरे लोग बकरे नहीं है कि जो भी आए बलि चढ़ा कर जाए। मनु बिल्डर के नाम से एक भी ईंट उतरने नहीं दूंगा। कायरा की माँ, इस करिकालन की पूरी भाईगिरी अभी तुमने देखी नहीं है, अब देखोगी। समझे? समझ लेना। देख छोकरे लोग के साथ मिलकर कोई लफड़ा नहीं करने का। ऐसा कुछ नहीं है काला। अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखना, समझा ना? हाँ हाँ ठीक है। अरे इधर कहाँ जा रहे? बताता हूँ काला। इधर से कहाँ जा रहा है? हमको उधर जाना है। काला बता दो, रुकना। कहाँ घुमा रहा है यार? अब बाइक क्यों घुमा रहा है? क्या कर रहा है? हमें घेर लिया है काला। ए, रुक जा, रुक। ए, तू निकल। काला। ए, निकल। क्या रे सेटिंग किया है? वेंगई का बेटा अकेला खड़ा है। हिम्मत है तो सब एक साथ आओ। लड़के देखे
मेरे को बताकर जा सकता था ना? तुम्ही ने तो बेटे को भेजा था। तो नहीं बताएगा तो भी, मेरे को सब पता है, तेरी हर सांस क्या कहती है। ओ, तुम्हें सब पता है। अभी मैं क्या सोच रहा हूँ बताओ। जानती हूँ मिस्टर करिकालन। हाँ बोलता हूँ जी, जी। सुनील बाबू का कॉल था। सरेंडर नहीं होना है, हरी दादा ने बोला है। हरी दादा के लिए ये प्रेस्टीज प्रॉब्लम है। उनके लोग आएंगे अभी, उनके साथ चले जाओ, कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। जेल से जास्ते उनके साथ रहना ही सेफ है।
खुशी हुई कि आप यहां आए। अच्छा, मेरा काला सेट है। बहुत सुना तुम्हारे बारे में। आना ये पता बात करे। मैं तो डेली आपको देखता हूँ। पूरे शहर में आप ही छाए हुए हो। बहुत खुशी हुई। दूसरा बेटा सिल्वा, मेरे दोस्त। नमस्ते। मेरे बेटे और बहुए। मेरी वाइफ। नमस्ते। कोई बात नहीं, ले जाओ। और ये भैरव है। जीजू, मुझे तो छोड़ दिया। ये मेरा जिगरी दोस्त बाली अम्मा। देखने में तो भला इंसान लगता है। हाँ, सच में एक बैंक कितने अच्छे। चुप कर, सिर्फ सफेद बनना काफी है। हमारे घर का पानी भी नहीं पिया। बस देख रहे हैं तो कौन है वो जो मेरे सपने के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। अच्छे से देख लो। अच्छा लगा तुमसे, तुम्हारे फैमिली से मिलकर। बस धारावी को अपनी याद में जिंदा रखो। इसके बाद धारावी मेरी है, सिर्फ मेरी। तंगचे काला का ख्याल रखना। हरी दादा, मैंने अभी जाने को नहीं कहा। तुम भले ही धारावी में अपनी मर्जी से घुस आए हो, लेकिन यहां से निकलने के लिए मुझसे परमिशन लेकर ही जाना होगा। सब सालों को शूट करना पड़ेगा, तब बाहर जा सकते।
इतनी बुलेट्स है तुम्हारे पास? सकता हूं काला सेट ना बोला मां भर मिट्टी भी तो यहां से लेकर नहीं जा सकता। निकल country clean and pure. बराबर है।
थैंक यू सर, हमें आपसे यही उम्मीद थी। एंड डोंट वरी, वी विल गेट द कंसेंट एज सून एज पॉसिबल। आप अफ्रीका से आके कर सकती हैं, ये तो लोग मेरे हैं, अपने हैं, मैं यहाँ का हूँ, मैं नहीं कर सकता। आपके मियाँ क्या करते हैं? No, actually, I'm a single mother. I'm a single mother. एक लड़की है कायरा। Take care. औरत, पैसे की कमी, अकेली, अगर कुछ जरूरत होगी इनको तो देख लेना। ओ दादा, हरि भाई। इसका नाम लेनिन है, काला का बेटा। अपना बंदा, फुल सपोर्ट, फुल सपोर्ट। सुनो जरा, सोने की तू एक मूरत,
रात ओ लवली रानी सुनो जरा सोने का भी रंग है फीका चांद से तेरा मुकाबला मैं तो एक रावण बना तेरा साजन जीने का तू है एक जरिया मेरी महबूबा राम डूबा डूबा गेरा तेरी अखियों का दरिया किला टांगे टांगे दिल ठुमका एक मांगे किला टांगे टांगे दिल ठुमका एक मांगे सोने की तू एक मूरत को लवले रानी सुनो जरा सोने का भी रंग है फीका चांद से तेरा मुकाबला मेरे दिल को चकमा दे नखरे तेरे लगे फरे भी इश्क में तेरे लुट गया बंदा तू है चीज बड़ी तू है शेरों का राजा यहाँ तू है शेरों का राजा यहाँ पे नैन तेरे बड़े शिकारी तू गजब की हूर है पक्की शर्मा के बंदे की जले गई हो तेरे जैसा न कोई निगाहें करेंगे तारीफें सभी सोने की तू एक मूरत सोने की तू एक मूरत को लवली रानी सुनो जरा सोने का भी रंग है फीका चांद से तेरा मुकाबला दिल ठुमका एक मांगे तुम जहाँ पे होते खड़े पद वहीं से आगे बढ़े रे मैं तो जिंदा हूँ तुम सबसे क्या तुम्हारे बिना तुमसे रोशन है ये जहाँ तुमसे रोशन है ये जहाँ जरा तुमसे सांसों की है कहानी मैंने पाया प्यार व्यार तेरा बिछड़े ना बिखरे ना टूटे कभी तेरे संग ही आज रात भर जी भर के हंगामा होगा फिर किला टांगे टांगे दिल ठुमका एक मांगे 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 और क्या सिर्फ एक बोतल ताड़ी पी के तुमने इतनी हुड़दंग मचा दी डांस कर रहा है गाना गा रहा है मैं भी देख रही हूँ तू कुछ ज्यादा ही कर रहा है ज्यादा हो रहा है संभल संभल व्हाट यू आर डूइंग इंग्लिश भी बोल रहा है पापा आपसे थोड़ी बात करनी है हाँ बोल ना तुम लोग ही तो मेरी दुनिया हो क्या चाहिए बोल ना बच्चों को अंदर ले जाओ चलो बेटा बच्चे खेल रहे हैं खेलने दो ना क्या चाहिए आज माँ और आपको खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है बहुत तकलीफों से आपने हमें पाला अपने पैरों पे खड़ा किया हमें किसी चीज की कमी नहीं है लेकिन ए, ऐसे झिझक के क्या बोल रहा है पापा उस दिन जो तुमने हरी दादा के साथ किया तब से उसके आदमी ऑफिस में आके खड़े हो गए इसीलिए घर छोड़ के जाने को कह रहा था मैंने कहा फंक्शन होने दे बाद में बात करते हैं छोड़ रहा था हम सब चलते हैं अब तो वेल सेटल है ना तो फिर क्यों ये मगज मारी डॉक्टर इंजीनियर बनकर धारा भी छोड़कर कितने लोग जा चुके हैं क्यों कीचड़ में रहे नेक्स्ट जनरेशन तो अच्छे से रहे ना तो यहाँ किस चीज की कमी है
डर लगने लगा है क्या? अगर इनको डर होता तो हम चारों को पाल पोस के बड़ा नहीं किया होता। तुम तो बिना सोचे समझे बोलते हो। पता है ना, अपने वेंगैया दादा को उसी ने मारा था। देखो, डर नहीं होना चाहिए। एजल्वी, सूप से शेर भगाने वाली तमिल वीरांगनाओं की कहानी नहीं सुनाई? कैसे पाला? जैसे कि ये लोग सुनेंगे। जाने का फैसला कर लिया है ना, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। चल निकल, एक मिनट भी इधर नहीं रुकने का, नहीं तो मेरे मुँह से उल्टा सीधा निकल जाएगा। बस ऐसे बात करते हैं बच्चों से? चुप। ये बस ऐसे ही कह रही है। सासू, आप नाराज क्यों होती हो? हम कुछ बोल नहीं सकते क्या? भले के लिए तो कह रहे हैं। सोने का भंडार भी हो तो उस पे बाहर कितने दिन जी पाओगे? जरा सी परेशानी क्या है? मैंने जीजू को भटकाने की कोशिश कर रहा, ये पड़ेगी। मामा तुम चुप रहो, जब देखो बेवड़ी की तरह पी के पड़े रहते हो। अपने पापा से बात कर रहा हूँ ना, तुम अपना काम करो। बड़ों से ऐसे बात करते हैं? यहाँ से चले जाओगे तो परेशानी खत्म हो जाएगी। जगह बदल के, सुबह बदल के, अपना खाना बदल के, अपनी मिट्टी रिश्ते नाते छोड़ के राजा की जिंदगी भी जी ले तो वो कोई जिंदगी होगी? बदलना है तो यहाँ रहकर बदल। देख, वो भी गुस्से में यहाँ से निकला था, थाना भी छोड़कर गया। उसके और मेरे बीच हजार मत भेदो, पर वो इस मिट्टी की इज्जत करता है, इस पर मुझे जरा भी शक नहीं। इस पेड़ की जड़ें यही इसी मिट्टी में है, ये यही जलेगा या गड़ेगा। ऐसे नहीं है पापा। कोई कुछ नहीं बोलेगा। जाओ जाओ, चलो अंदर जाओ। थोड़ी ढील दे दो तो मजाक में ले लेते हैं, बीच बीच में काला बनना पड़ता है। वालियप्पा, निकाल बोतल। वहीं बैठो काला, तुम बैठो। काला, काला तुम बैठो ना जरा। बैठ जा। हमारे लिए ठीक है, बेउड़ा कहीं का। पाटिल आओ आओ। क्यों भाई इतना लेट? हाँ अभी फंक्शन खत्म हुआ, कोई बात नहीं, आओ आओ। वालियप्पा। हाँ जी जी। हाँ पाटिल आओ, बस आधी बोतल। अरे अपनी सेना भी साथ लाए हो, कोई बात नहीं, आओ आओ आओ। सगले जेवन गया। सेल्वी, सबके लिए खाना है ना? काला तुम चुप रहो, क्या बात है? क्या हुआ, इतने सारे क्यों आए? विष्णु भाव का मर्डर का वारंट है। मर्डर करने वाला सरेंडर हो गया, अब क्या? लफड़ा मत करो, पुलिस स्टेशन आ जाओ। चलो हाथ तो लगा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ए, बच्चे भी डर जाएंगे, हंगामा नहीं। ए, पटेल, अभी मुझे पुलिस स्टेशन चलना है ना? जी जी। ओके। ए, जी 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 जी, रुक। ए, ये आधी रात को कौन सा रेस्ट होता है? अरे बाप। ए, शिवाजी, कैसा है तू? बच्चे सब ठीक है ना? आपको ठीक से पढ़ाना। काला। हे शिवाजी, हम तो पढ़े नहीं, अगर हम पढ़ लिख लेते तो क्या बात थी। लेकिन बच्चों को पढ़ाना। बिल्कुल बच्चों को। शिक्षा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, हम लोग तो नहीं पढ़ा, बच्चे लोगों को पढ़ाना। एजुकेशन। कौन लेकर आया? पटेल ले लीजिए। हाँ, खाना ज्यादा हो गया तो हजम करने अंदर चला आया। अब देख, अब वो जो भी हो उसे एक छोड़ेगी। वो क्या है कि मिनिस्टर के पास गया था, बोले प्रॉब्लम को बात करके सुलझा लेंगे, इसलिए अपनी तरफ से मीटिंग का इंतजाम कर दिया। बात कर लेते हैं ना सेठ? ओ मिनिस्टर, नमस्ते। नमस्कार। जीते रहो। मंत्री लेवल तक कांटेक्ट बना के रखा है, चुमा रुस्तम निकला रे। मतलब समझौते का झंडा फहरा तो यही कहना है ना? फहरा देते हैं,
उसके लिए यहाँ क्यों बुलाया? मेरे घर के सामने वाली जगह पर बैठ के फैसला कर लेते हैं। सेल्वी गर्मा गर्म चाय भी बना कर पिलाएगी, क्या कहते हो कुमार? ऐसा नहीं है भाई। ए, मॉडल, इसी के लिए मुझे इधर लेकर आया क्या? पहले बोलना था ना यार। ए, चलो चलता हूँ। ए, इधर जा रहा है। बैठो बैठो, मैं बात करता हूँ। बैठो बैठो। कुमार, ये कौन है भाई? यही तो मिनिस्टर है, जानते नहीं? ओ, मिनिस्टर, नमस्कार। सब ठीक है ना? घर में बीवी बच्चे सब ठीक है ना? धंधा कैसा चल रहा है? रोकड़ा आ रहा है ना? रोकड़ा रोकड़ा। ये क्या कह रहे हो? रोकड़ा ही तो पूछ रहा हूँ। सामने कौन है, आप देखते भी नहीं? हरी दादा के एक इशारे से गवर्नमेंट में उल्टा सीधा कुछ भी हो सकता है। सुना है तुम्हारी मर्जी के बिना धारावी में कुछ नहीं हिलता। अच्छा, कुमार नहीं बता? हाँ भाई, हरी दादा भले इंसान है, बड़े आदमी है। माफी मांगोगे तो छोड़ देंगे, मैं मीटिंग अरेंज करा दूंगा। माफी मांग लो। कुमार, ये कौन है? ये साउंड क्या है? कुछ नहीं है सर। भाई ये क्या मजाक कर रहे हो? अरे बड़े लोग हैं ये, मैं आपके अच्छे के लिए कह रहा हूँ। अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ ना तो आपकी वजह से सबको परेशानी होगी। एक मिट्टी में घुल मिलकर रहे, ये सब भूल कर बात मारूंगा। चल पीछे जा। तुम्हें शरीफ समझा था, तुम तो अतरंगी निकले। ये प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग तुम्हें सपोर्ट करते हैं इसलिए मैंने ये मीटिंग ली। मैं हरी दादा से बात करूंगा, कुछ अच्छा ही करूंगा। तुम्हारे कितने बेटे हैं? तीन ना? चार बेटे हैं। ओ, चार। हर एक को एक घर, तुम्हारे बुढ़ापे के लिए एक घर और फैक्ट्री के लिए जगह मिलेगा। मिलेगा, बस इस स्कीम के बीच में मत आना। कुमार, मारूंगा नहीं, इधर आ। हाँ भाई। कुमार, क्या भाई? कौन है ये? मजाक कर रहा है क्या? यहाँ से तेरी लाश ही बाहर जाएगी। तुम कुत्तों को बाहर से आकर मुंबई पे राज करना है? ए, आगे से हमारे बीच आया ना तो कुचल के रख दूंगा। मजा आ गया। मजा आ गया। हिम्मत है तो मार के दिखा। फिर दिखाता हूँ मैं। कौन? समझौता कैसे कर सकते हैं? मैंने बोल दिया था धारावी के बारे में बात मत करना, बात खत्म। दोबारा धारावी की बात की तो सफेद कमीज काली हो जाएगी। बोल देता हूँ, मीटिंग ओवर। ओके, ओवर मीटिंग। तेरे को तो मैं देख लूंगा। तेरी गलती नहीं है, तू सच में जानता नहीं मैं कौन हूं, क्या कहां से आया। लोग डरते हैं मुझसे। इतनी गलतियां करने के बावजूद मैं तुझे माफ करने के लिए तैयार हूं। स्टेटस तक पहुंचने के लिए मैंने क्या किया है मैं सिर्फ अकेला जानता हूं। कितनों को कुचल दिया है, तुम्हारी इस धारावी में कितने दंगे फसाद करवाए हैं मैं भूलना चाहता हूं। मुझे याद दिलाने की गलती कर रहा है तूने। जिस वेंगैया को मारा उसका ही बेटा तेरा यमराज बनेगा, ये तूने सोचा नहीं था? Thank you.
जिंदगी हर एक को एक मौका देती है गलती सुधारने का। मेरे हाथ में वो सुनहरा मौका है। विष्णु को मारा तूने, इलेक्शन में मुझे हराया, मेरा अपमान किया तूने। दादा बहुत नीडर है तू, नीडर और मूर्ख में थोड़ा सा फर्क है। अभी समझाने जाऊंगा समझेगा नहीं, वक्त समझाएगा तुझे। सबूत और गवाह नहीं मानता वक्त, अब नहीं मारूंगा, नहीं तो ये चिल्लाने वाले कुत्ते है ना, चबूतरे पे खड़ा करेंगे, माला पहनाएंगे, टीका लगाएंगे, पूजा करेंगे तेरी, मुझे वो नहीं चाहिए। ए, जाने दे इसका। हाथ उठा दिया ना, ओके दादा ओके।
मेरी माँ को भी। असल में मैं तुम्हें मारना चाहता था, गलती हो गई, मुझसे नहीं ऊपर वाले से। अनजाने में तुम्हारी बीबी और बेटा, आई एम सॉरी।
प्लीज माफ कर दो। बैठो बैठो। मंगल बेटे पानी ले आओ। नहीं बेटा, नमस्ते बोलना बस। नमस्ते स्वीट गर्ल। दादू, he seems to be a very nice person. Don't kill him. चल। बच्ची कह रहे थे You are a very nice person. Don't kill him. अगर मेरे रास्ते में नहीं आओगे मैं क्यों मारूंगा तुम्हें? तू मुझे नहीं मार सकता क्योंकि मैं काला हूं, यम हूं, यमराज। देखते हैं कौन क्या है। काला कैसा नाम है रे? बोलते हुए मुंह खट्टा हो जाता है। ये तुम्हारा काला रंग बड़ा घिनौना लगता है, चुभता है आंखों में। सफेद साफ और काला गंदा आंखों में चुभता है ना। कितनी घटिया सोच, तेरी नजर में ही खोट है। काला मेहनत का रंग, मेरी चौल में आकर देख, गंदगी भी रंगीत दिखाई देगी। शुद्ध, क्लीन, प्योर, ये सब तेरे नकाब है। क्या चाहिए तुझे? जमीन ना। कल किसी के नाम पर थी, कल को किसी और के नाम पर होगी। कब्र की 6 गज जमीन भी अपनी नहीं होती। क्यों इस तरह पागल हो रहा है? कुछ नया बोलिया। मुझे मालूम है सब कुछ यही रहेगा। मैं कुछ ऊपर लेके नहीं जा सकता। 6 फीट जमीन में ही गाड़ेंगे मुझे। सब नश्वर है। कृष्ण ने मेरे कान में भी फूक मारी है, सिर्फ तेरे कान में नहीं। लेकिन फिर भी उस कागज पर 2 दिन के लिए क्यों ना हो, मेरा नाम होगा, मैं खुश हूँ। Do you have any problem? प्रॉब्लम है। वो जमीन तेरे लिए पावर होगी, हमारी जिंदगी है, समझा? मेरी जिंदगी है। रास्ते में भोगते हर कुत्ते पर पत्थर फेंकता रहूंगा तो अपने मकाम तक पहुंच नहीं पाऊंगा। मैं अपनी पावर का सही इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे मालूम है। अगर तुझे लगता है गलत है, इट्स योर प्रॉब्लम। इस नेक काम में जो भी बीच में आएगा मरेगा। कुरुक्षेत्र पर अर्जुन फंसा था तब उस हरि ने जो किया था बिल्कुल वैसा आज यह हरि कर रहा है। मेरी जमीन को छीनना ही अगर तेरा धर्म है और तेरे भगवान का धर्म है तो मैं तेरे भगवान को भी नहीं छोड़ूंगा। मुझसे बस एक गलती हो गई, मेरी बीवी और बेटा मर गए मेरी वजह से। वो गिल्ट है मेरे अंदर, इसलिए मैंने तुझे अपने घर में आने दिया। तेरी औकात नहीं है मेरे सामने बैठने की। तुझे मालूम होना चाहिए तो क्या है, बार बार मुझे याद दिलाना अच्छा नहीं लगता। खत्म कर इस घमंड को, आजा छू ले पाऊं मैं। कितना फासला है, 2 कदम, कहानी खत्म। वही 2 कदम की दूरी है, मेरे पांव छू ले। तुझे माफ करना है या सजा देनी है ये फैसला मैं करूंगा। ए थामरे, थामरे। लड़ने नहीं आया, मेरी पत्नी और बेटा मर गए हैं, मैं हार गया हूं, ऐसा मत समझना, यही बताने आया हूं। तेरे पास भले ही पावर है लेकिन मेरे पास कंधे से कंधा, खून से खून मिलाकर खड़े रहने वाले हजारों लोग हैं। तू धारावी में कुछ नहीं कर सकता, यही बताने यहां आया हूं मैं अकेला। एक बात सुन ले हरी, खुदा का हुक्म, काला की कसम,
मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, चाहे तो मेरी पीठ पर वार कर ले। ऐसे ही मेरे पिताजी वेंगैया ने आवाज उठाई तो उन्हें मार डाला। मारने वालों से बदला लेने का खून सवार था मेरे सर पे। ये बदला, ये गुस्सा किसी काम का नहीं, ये समझाकर सेल्वी दादी ने ही मुझे बदल दिया। दादा, आप सेल्वी दादी से बहुत डरते थे ना? बहुत डरता था, वो मेरी देवी थी, मेरी कुल देवी। सिल्वा अंकल और सेल्वी दादी को जैसे मार डाला, वैसे हमें भी मार डालेंगे, मेरे फ्रेंड्स बता रहे थे। मैंने भी बोल दिया, हम काला के पोते हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चुप रहो सब, तुम्हारी उम्र है ये सब बात करने की। अरे क्यों डांट रही हो बच्चों को? ये तो बस देखो बच्चों, सबसे प्यार से रहना चाहिए, ये झगड़े मेरे तक ही रहने दो। इसी वजह से मेरी सेल्वी और मेरा सेनापति सेल्वा, ये दारू की बुरी आदत, उस दिन अगर मैंने पी नहीं होती तो मेरी सेल्वी और मेरा सेनापति खोया नहीं होता। जाने वालों को याद करती रहे तो जो है उनको कौन देखेगा? लक्ष्य जैसी बातें सेल्वा को समझ नहीं आती थी पापा। मैं अपने पापा के लिए मर भी सकता हूँ कहते थे, बस इतना ही पता था उन्हें, दुख तो हो रहा है पापा, अब और किसी को नहीं खोना है, नहीं खोना है, हम सब हैं। हाँ पापा, अब हम और कुछ नहीं खोएंगे, हम साथ हैं, हम सब एक साथ हैं। पापा आइए, पापा बच्चों ने कुछ खाया नहीं है, हम सब साथ में खाते हैं।
मेरे बीते जो मेरे पास बस यही आखिरी आपका थी उसकी ये भी खत्म हो गई। वहाँ 10-15 जेसीबी, 200 पुलिस वाले और इतना ही नहीं गुंडों को भी लेकर आए हैं। तुम वो लोग आग बुझने से पहले ये इवैक्यूएशन शुरू करने की कोशिश में है। मनी से लोगों को टोकन देना है, ज़रीना तूफानी उनसे लड़ रहे हैं। आइए पापा। सबसे बड़ा हथियार है ये, हमें दुनिया को दिखाना होगा। बुलाओ अपने लोगों को। अरे भांजी आए तो तुरंत धारा भी आ जा। अलार्म स्ट्राइक करने को बुला, ये सब उठाओ चलते हैं। स्ट्राइक हो गया, सबको वापस बुला रहे हैं। स्ट्राइक है काला ने। चलो चलो निकलो निकलो। काला बुला रहे हैं, स्ट्राइक है पापा। भाई साहब आप उतरोगे क्या? टैक्सी नहीं जाएगी। क्यों भाई? स्ट्राइक है, हम कौन है अब दिखाएंगे। हम अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं, सिर्फ एक ही मांग जिसके लिए शान से खड़े रहेंगे। ये जमीन सिर्फ हमारी है, चिल्ला के कहेंगे, जमीन हमारा हक है, जमीन हमारा हक है। हमारे इस आंदोलन के तुम ही पहले रिपोर्टर, फेसबुक ट्विटर सब में हमारी आवाज़ फैला दो। ठीक है, अभी से काम शुरू कर देता हूँ। यह अहम आंदोलन है, दारू चढ़ाई तो एक पड़ेगी। ये आंदोलन सिर्फ धारावी के लोगों का नहीं है, सारे झोपड़पट्टी का आंदोलन है। खुद बना कर अपना हुक्म चलाए, छोड़ जमीन अपनी रहो हम कहां जाए। धारावी खुद बना कर अपना हुक्म चलाए, छोड़ जमीन अपनी रहो। हर जगह टेंट लगा दो, खाने का इंतजाम करो। खाना बनाना सिर्फ औरतों की जिम्मेदारी नहीं है। मेहनत सब हमने की, जहमत सारी हमने की, लूटा चंद लोगों ने, भूखे हम रहे, भाषा में नस्लों में बांटा है हम सबको, अब जो हम एक हुए Yes, I've been hearing about it. Okay, what do you think about that? I think 60% of them are criminals. IT sector
हम थाना देने वाले बड़े हैं, आप बोलोगे कि वो जमीन हमारी नहीं है तो हम आंदोलन करेंगे। समस्या जल्द से जल्द सुलझाने का वादा करते हैं और हम प्योर मुंबई प्रोजेक्ट को जरूर रद्द करने के बारे में सोचेंगे। तुम्हारे पावर और दबाव के सामने झुकने वाले कठपुतली नहीं है हम। ये लोग तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी द ग्रेट सम्राट हरिदेव अभ्यंकर के सपने को तोड़ डाला है। मिलाओ, अरे मिलाओ ना, हाथ मिलाना सीखो, वही क्वालिटी है। पैर छूना नहीं। अपना हुक्म चलाए, छोड़ सभी अपनी खुशी के लिए कुछ होती है, खुद बना कर हमारे आंदोलन की जीत होने वाली है। आंखों से देखा हुआ सपना है, अपनी हैसियत पे उतर आए ना तो सही नहीं पाओगे। क्या औकात है उसका ना कि इस मुंबई में, मुंबई हमारी थी, मुंबई हमारी थी, मुंबई सुदाम चित राणा। जो लोग नाक मुट्ठी में लेकर गुजरते हैं ना धारावी की तरफ से, वही नाक ऊंची करके देखेंगे धारावी की तरफ इस प्रोजेक्ट के बाद। तुम्हारी सरकार टांग अड़ा रही है, बोलो उनको मुर्गा ढक के रखे, सुबह जल्दी नहीं होनी चाहिए, मुझे सिर्फ एक रात की जरूरत है। मैं
मेरा फेंका इन्होंने, तुम में से एक एक को काटे बिना नहीं जाऊंगा। हम कितना भी साथ रह लिए, तूने मियांपंथी दिखाई दी ना, तुम लोगों को पहले ही भगा देना चाहिए था। बेकार की बात करेगा तो यही काट डालूंगा। ये लो पकड़ो इसे, पकड़ो, मारो, काट डालो, मारो, काट डालो एक दूसरे को। देखा ना, काट डालो कहा, तुम मेरे लोगों में से एक भी आगे नहीं आया। हे, यहाँ शंकर का भाई रहीम, गणेश का जीजा अब्दुल है, आप सब मिलजुल कर रहते हैं, तू हमारी एकता को तोड़ नहीं सकता। तुम लोग हरी दादा के कुत्ते हो, भगाओ इन सबको। तेरी चाल नहीं चली तो खुद ही चला आया, क्या बात है पाटिल, कुछ नहीं कर पाया सोच के दिमाग फट रहा है। यमराज के चबूतरे पे बैठ के उन्हीं के सर से जू निकालेगा, तेरी दालियाँ नहीं गलेगी। निकल तेरी तो एक पुलिस वाले। इतना सारा भोग चढ़ाया, कमी है तो सिर्फ उसके सर की, ले आओ वो भी चढ़ा देते हैं। राक्षस राज के विनाश की घड़ी आ गई है, राक्षस राज के विनाश की घड़ी आ गई है। बड़ालाल सुनने को पहला हो सुनने कर रहे हैं।
ढाल के अंदर देख, इस तरफ देख। दोनों के बीच भयानक वेग से युद्ध चलता रहा। जैसे ही राजा रामचंद्र जी ने अस्त्र उठाया, जन जानव जीव राशि सारी सृष्टि कांप उठी।
रावण के आर पार गया और जमीन में धस गया। बोलो सियावर रामचंद्र की।